सर मैं प्रदीप कुमार रहांग डाले, डिस्ट्रिक्ट सिवनी से, तहसील बरघाट, गांव का नाम है लोहारा। इस करीब 7 साल करीब हो गया सर, हम वर्मी कंपोस्ट का काम करते करते हमें एक सर मिल गए जो फॉरेस्ट में बांस मिशन में मेन प्रभारी रहे, मतलब पूरे मध्य प्रदेश के। उनसे मुलाकात हुई, उन्हें हम इस काम में लगा दिया उन्होंने। तो हमारा एक सेंटर है बैयर में है, एक सेंटर सिवनी में भी है और बरघाट में भी है, और इसका मेन ऑफिस है स्वागत बंगला भोपाल में। हमारा जेड ऑफिस है स्वागत बंगला भोपाल में, और उस संस्था का नाम है, आप देख रहे हैं वो लिखा हुआ है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इस संस्था के द्वारा हम ये कर रहे हैं। इसकी जो भी वित्तीय सहायता है हमारे डॉक्टर ए के भट्टाचार्य सर हमें पूर्ति करते हैं इसके बारे में, नई नई तकनीकी। और इसमें जो बनाने वाले, हम केवल हम सेलिंग का काम करते हैं, मार्केटिंग करने का हमारा काम है। और हमारा जो बनाने वाले कारीगर हैं, बालाघाट में अलग हैं, छिंदवाड़ा में अलग हैं, शिवनी में अलग हैं, आसाम में भी हैं, ऐसे अलग अलग। जैसे ये जो है ना, जैसे कि ये हमारे यहाँ का नहीं है, ये आसाम से आया हुआ, जैसे ये जो है बनाया गया है अलग अलग है ये इस टाइप से। तो हमारे साथ कम से कम सर 200 से ऊपर लोग जुड़े हुए हैं सर, इसमें 200 से ऊपर लोग जुड़े हुए हैं सर, हर जगह यानी सभी सभी राज्य का मिलाया जाए तो 200 सर। महिलाओं को भी क्या योगदान है? हाँ, महिला योगदान है सर उनको। सर क्या है, अपने गांव में ही रोजगार मिल जा रहा है सर उनको, गाँव गाँव में सर उनको अपने गाँव में ही रोजगार मिल जा रहा है, बाहर नहीं जाना पड़ रहा है उनको, इससे फायदा हो रहा है। बात किसानों से सर, जो किसानों के मेड़ों पर लगाया था बात सर, वहाँ से लेते हैं सर। बात से सर ए टू जेड सर, पेन से लेके डायरी से लेके जमा, मान लो अपना जो डस्टबिन है, डस्टबिन तो बनाते सर हम लोग, या टोटल आइटम यानी जैसे जैसे पानी की बोतल है सर, जैसे कि ये देखिए, ये देखिए ये कप है सर, ये कप तक बनाया जा रहा है सर, देखिए ये कप। हाँ हाँ सर, ये बोतल सर, पानी की बोतल सर। हाँ हाँ बोतल है पानी की सर, अपने चम्मच है। इसके अलावा जो पहले जो दिखाई जाती थी, खाचर है, बैलगाड़ी है, ये सब बनाया जाता है। इसके अलावा मूर्तियां हैं, इस गणेश भगवान की मूर्ति यहाँ पे आपको मिलेगी, जैसे मेरे पीछे सरस्वती माता की, इस टाइप से ये सब बनाया जाता है। हाँ नेकलेस सर, हाँ नेकलेस भी देखिए, ये नेकलेस भी बनाया जाता है सर, देखिए इस टाइप से ये नेकलेस है सर ये। हाँ चावल का है सर, चावल बताइए। हाँ हाँ चावल भी बनाया सर, चावल है उसका पेड़ी भी है, धान भी है वो सर। उसका पेड़ी को पहले बीन लेते हैं सर। हाँ उसको पेड़ी को पहले बीन लेते हैं, पेड़ी को बीनने के बाद उसको सुखाते हैं, उसका चावल निकल वाला, जैसे हम धान का चावल निकालते हैं उसका चावल निकालते हैं सर। ये सर जो डॉक्टर ए के भट्टाचार्य सर हैं, जो उन्होंने सिखाया है सर। बस यही रहता है सर, सेम धान की तरह था। क्या होता है सर, जो जो बांस जो होता है सर, ज़्यादा जो पक जाता है सर, वो बाद में फूल में आता है, फूल के रूप में सर उसका जो दाना निकलता है सर, उसी को इकट्ठा किया जाता है, उसी को फिर मिलिंग कराया जाता है, उससे सर चावल निकल जाता है। क्या फायदा है इसके, चावल वो मेडिसिन में काम करता है सर, ये मेडिसिन के रूप में काम आता है ये। कौन कौन सी मेडिसिन? ये शरीर के लिए सर, बहुत सी बीमारी को दूर करता है सर, ये जो गंभीर बीमारियाँ होती हैं उनसे वो मुक्ति मिलती है उससे। ये सर मतलब 55 रुपये से लेके सर, जैसे स्टार्टिंग के 55 रुपये से लेके, हाँ सर 4000 रुपये तक है सर, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो बहुत किया है सर। हाँ अब सभी जगह का मिला के सर कम से कम सर 40 से 50 लाख रुपये से कम नहीं हुआ है सर अभी तो, सब जगह का मिला के। अभी तो उतना हम लोग निकाल नहीं पाए हैं, फिर भी काफ़ी है सर, फिर भी 30 से 40 लाख हो जाता है सर, तो सब जगह का। हाँ 30-40 लाख हो जाता है सब जगह का। क्या प्लान है अभी तो बहुत है, हमारा मेन प्लान से है सर इसके बारे में। क्या है कि दिनों दिन क्या हो रहा है कि बांस की सर कमी हो रही है सर, अब बांस पहले सामान नहीं मिल पा रहा है हमें कि दिनों दिन क्या है, क्योंकि क्या होता है कि किसान के मन में ये आ गया कि बांस जहाँ रहता है वहाँ फसल नहीं होती है। तो फिर से हमारी जो संस्था है बांस लगाना स्टार्ट कर रही है सर, बांस लगाना, बांस मिशन के तहत बांस लगवा रही है, उनको एक पौधे पर 120 रुपये प्रदान कर रही है हमारी IDO गवर्नमेंट के माध्यम से। और बाद में उनको हम बांस लगाने के बाद प्रत्येक वर्ष उसकी रक्षा के लिए, मतलब उसके संरक्षण के लिए हम लोग पैसा भी देंगे उनको, किसानों को, और बाद में उनका बांस जो हम खरीद भी लेंगे। और आते सर आसाम से भी आते हैं, चंडीगढ़ से भी आते हैं, बालाघाट से, अलग जिलों से यानी अलग अलग से आते हैं। अभी तो नहीं, आउट ऑफ इंडिया नहीं आया सर अभी। हाँ पर चल रहा है सर उसका प्रोग्राम, उसका भी चल रहा है सर, चल रहा है, जैसे हिमाचल का प्रोग्राम चलने वाला है। हाँ हिमाचल से हमारा चलने वाला कि सबसे ज़्यादा बांस जो मोटा पास है हिमाचल में पाया जाता है, तो वहाँ से ही बांस यहाँ बुलवाने का प्लान चल रहा है हमारा, ये भी चल रहा है हमारा। ये बलकुआ से ही बनता है सर, बलकुआ होता है,
टुंडी का क्या होता है उससे ही बनता है, यानी जो बांस का ज़्यादा एज का हो जाता है उससे बनता है सर ये। हाँ ज़्यादा एज का हो जाता है। 130 से 130। हाँ के जी सर, वो भी अभी तुरंत उतना नहीं दे पाएंगे, अभी ऑर्डर ऑर्डर आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, हमारे पास जो फार्म है उसको फिलअप करना पड़ेगा, फिर आपको होम डिलीवरी कर दी जाएगी।